ईडन गार्डन में खेले गए सीएसके और केकेआर के मैच में भले ही धोनी की टीम हार गई, मगर फिर भी धोनी का बोलबाला कोलकाता की धरती पर भी जमकर बोला। धोनी जैसे ही बैटिंग के लिए आए तो पूरा मैदान धोनी धोनी की आवाज से गूंज उठा। मगर इसी मैच के दौरान धोनी की सुरक्षा में भी बड़ी चूक सामने आई। यहां मैच के दौरान एक घुसपैठिया फैन केकेआर के डगआउट तक पहुंच गया। ये फैन सीधे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के पैर छूने लगा। ये देख बाकी प्लेयर्स दंग रह गए। दरअसल कोलकाता के खिलाफ मैच में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट के पास खड़े थे। दो विकेट गिरने के बाद वो टीम मैनेजमेंट के साथ बैठकर लैपटॉप में कुछ एनालिसिस कर रहे थे। इसी दौरान एक यंग फैन दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया और उसने आते ही धोनी के पैर छू दिए। धोनी ने भी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। धोनी का ये इजी व्यवहार देखकर वहां बैठे आसपास के सभी प्लेयर्स शॉक्ड रह गए। मगर तभी सिक्योरिटी वहां पहुंच गई और फैन को खींचकर बाहर ले गई। ये फैन जब अचानक दौड़ता हुआ डगआउट के पास पहुंचा तो उसे देख चेन्नई के बैटिंग कोच माइकल हसी काफी डरे हुए नजर आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक अनजाना व्यक्ति धोनी के करीब जा रहा है, वे उसे रोकने की कोशिश करने लगे। मगर धोनी तो धोनी है, धोनी ने बड़े ही प्यार और आराम से फैन को अपना आशीर्वाद दे दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।